तो गाइस कैसे हो आप सब यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए, तंदुरुस्त रहिए मेरे भाई। देखिए 2-3 दिन तक मैं वीडियो अभी डाल नहीं पा रहा था, इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार आप कहाँ छुप गए हो, है ना। मतलब छोटी से छोटी प्रॉब्लम होने से हम लोग इसे शेयर करते हो, लेकिन इस बार आप ना अपने ऊपर अपडेट दे रहे हो ना फिल्म के ऊपर अपडेट दे रहे हो। तो गाइस थोड़ा सा था क्रिटिकल माहौल था ऐसा, थोड़ा सा मैं बिजी था, और अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा का सारा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा और सारे के सारे फिल्म रिव्यू भी अभी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो आप लोगों के साथ जो शेयर नहीं कर पाया ना, देखो वीडियो बनाने का तो कोई चांस ही नहीं था, माहौल ही कुछ ऐसा था, लेकिन जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया अपने प्रॉब्लम के बारे में कि इतने दिन तक वीडियो नहीं आ पाएगा ऐसा बोल करके, इसके लिए मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। तहे दिल से आपको माफ़ी मांगता हूँ, तो सुप्रिया मुझे माफ़ कर देंगे। चलिए बात करते हैं आदिपुरुष की त्रिपिका फेस्टिवल के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी गर्व की बात है यार। देखिए यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप आदिपुरुष मूवी को देखना चाहते हो, आदिपुरुष मूवी के सपोर्ट करते हो, या फिर फिल्म देखना चाहते हो, फिल्म के लवर हो, ये कोई मायने नहीं रखता यार। अगर आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक देश के हो, भारतीय हो, आप एक इंडियन हो ना, तो आपको बहुत गर्व फील होगा, क्योंकि आदिपुरुष मूवी कुछ ऐसा माहौल अभी क्रिएट किया है। क्योंकि आप देखो ट्रिपल आर की जो इसका यात्रा थी, जो ट्रिपल आर मूवी का डंका सारे देश में, मतलब पूरा का पूरा दुनिया बजा रही थी उस टाइम पे, जो लोग फिल्म नहीं भी देखते हैं वो लोग भी अपने स्टेटस पे उसके बारे में बता रहे थे, क्योंकि देश का गर्व की बात थी भाई वो। ठीक उसी तरह का माहौल अभी आदिपुरुष, ठीक उसी तरह का मौका फिर आदिपुरुष देश को दे रहा है दोस्त, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए त्रिपिका फेस्टिवल के बारे में आपको बताने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, एक अपडेट दे देना चाहूँगा जो कि बहुत जोरों से वायरल हो रही थी, और ये भी आदिपुरुष के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। देखो कुछ दिन पहले आदिपुरुष की ओवरसीज राइट्स को लेकर के कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि कोई खरीद नहीं रहा है कुछ नहीं, तो क्या होगा आदिपुरुष का, ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन अभी उसकी डिस्ट्रीब्यूटर मिल चुका है, ओके, वो भी ए फिल्म्स, मेरे भाई ए फिल्म्स, जो कि बाहुबली, KGF, ट्रिपल आर, साहो जैसी फिल्म को प्रोड्यूस जो किया है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वही प्रोड्यूस बोल रहा हूँ सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट जो किया है वही ए फिल्म्स आदिपुरुष को भी ओवरसीज लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अभी हम ये त्रिपिका फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। देखिए उसके ऊपर बात करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि त्रिपिका फेस्टिवल आखिरकार है क्या। देखो ये 2001 से ही हो रही है, ओके, इसका जो इस्टेब्लिश है, इसका जो स्थापना किया गया है वो 2001 से हुई है, और इसको प्रोड्यूस किए हैं OKAS ने, और इसकी जो इस्टेब्लिशर जो है वो है रॉबर्ट डिनोरी, जैन रेसनथल और क्रैक हटकॉक, ओके। तो ये लोग इसको स्थापना किए हैं, और इस ये फेस्टिवल में पूरे दुनिया भर में जितने भी कहानी होती है वो कहानी को दिखाने का जरिया जो होता है, मतलब फिल्म, जितने भी कहानी के ऊपर फिल्म बनती है वो कहानी को लोगों के सामने लाना, उसको अच्छी खासी प्रमोशन देना और उसको एक अच्छा दर्जा देना, इस तरह का काम करता है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा बड़े गर्व से कि ये जो त्रिपिका फेस्टिवल है पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 फेस्टिवल में से एक है, ओके, उसी लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में आता है। और वैसा ही एक फेस्टिवल में, त्रिपिका फेस्टिवल में आदिपुरुष मूवी की प्रीमियर होने जा रहा है, वो भी 13 जून को, रिलीज से 3 दिन पहले। भाई ये जो फेस्टिवल है 7 जून से 18 जून तक हो रही है, ओके, 7 जून से 18 जून तक, और उसी मतलब 7 जून से 18 जून के अंदर, मतलब 13 जून को आदिपुरुष मूवी को प्रीमियर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखो इसको लेकर के डार्लिंग प्रभास का बयान कुछ ऐसा है जो कि वो अपने आप में ही दिल को खुश कर देता है दोस्त। वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इस फिल्म में काम किया हूँ, ठीक है ना, इसके लिए मुझे गर्व हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस फिल्म में मैं नहीं भी होता, एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है भाई। बहुत अच्छा लगा उनकी बयान को देख करके। ओम राउत कहते हैं कि आदिपुरुष मूवी की तरफ से, आदिपुरुष मूवी की पूरी के पूरे टीम को, पूरा का पूरा देश को, ये एक बहुत बड़ी मतलब गर्व की बात है कि हमें हमारे आदिपुरुष फिल्म को मतलब इतने बड़े फेस्टिवल में प्रीमियर करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे बयान आ चुके हैं और अच्छा लग रहा है दोस्त कि आदिपुरुष मूवी, जिस फिल्म को लेकर के इतना सब कुछ हो रहा था, देखो आदिपुरुष मूवी किया क्या गुल खिला रहा है भाई, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी गर्व की बात है और अच्छा लग रहा है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ओम राउत आखिरकार इतना शांत कैसे हैं, अपनी फिल्म को लेकर के कितना सीरियस है। कोई कुछ बोल देगा कि मेकर्स सीरियस नहीं है आदिपुरुष मूवी को लेकर के, अपनी फिल्म को लेकर के सिर्फ 500-600 करोड़ लगा दिए हैं और अपने हिसाब से हैं, हम लोग ऐसे बोल रहे थे मतलब मेकर्स को, खास करके ओम राउत जी को, लेकिन वो अपनी फिल्म को लेकर के कितना सीरियस है अभी पता चल रहा है दोस्त, कि मतलब किस लेवल पे फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, किस लेवल पे फिल्म को प्रीमियर करने जा रहे हैं, ये जरा आप सोचो। तो
तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप डार्लिंग प्रभास के फैन हो, ओके डार्लिंग प्रभास के फैन हो, तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा उनकी बयान को देख करके, और आपकी हीरो की फिल्म इतने बड़े लेवल पे प्रीमियर होने जा रही है। इसलिए अगर आप इंडियन सिनेमा के लवर हो, अगर फिल्म देखने वाला एक इंसान हो, तो भी आपको बहुत गर्व फील होगा कि आपके भारतीय फिल्म, आपके इंडियन सिनेमा, जिस सिनेमा को आप हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हो, वैसा ही एक सिनेमा आदिपुरुष जो कि इतने बड़े फेस्टिवल में प्रीमियर होने जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे फिल्म का प्रमोशन होने जा रहा है ना। और अगर आप फिल्म भी नहीं देखते हो, लेकिन अगर आप एक भारतीय हो, एक इंडियन हो, तो भी आपको बहुत गर्व फील होगा। अगर आप एक हिंदू हो तो आपको इतना गर्व महसूस होगा दोस्त, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। जैसा मुझे लग रहा है अभी, देखो आदिपुरुष मूवी हम सबको पता है, आदिपुरुष मूवी रामायण बेस्ड फिल्म है। हमारे रामायण की मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी का कहानी को यहाँ पे बताया जाएगा, उसमें जो सीख है, जो धरोहर है हमारा, उसको इस फिल्म में बताया गया है। तो वही चीज़ को त्रिबेका फेस्टिवल वाली एक फेस्टिवल में दिखाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, बहुत बड़ी चीज़ है, हम इंडियन के लिए, हम भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। बस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त एक और चीज़, कुछ लोग हैं, कुछ भाई लोग हैं जो हमारे ही चैनल पे आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और साफ पता चलता है उन लोगों की कमेंट से कि वो लोग एक्चुअली बॉलीवुड को सपोर्ट करने के चक्कर में, ओके बॉलीवुड को सपोर्ट करने के चक्कर में आदिपुरुष मूवी को थोड़ा नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि आदिपुरुष मूवी में एक्चुअली प्रभास है, और प्रभास एक साउथ इंडियन एक्टर, आपको पता है। तो इस तरह का मतलब छोटा दिमाग रखते हैं वो लोग यार, इस तरह का एक 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 चीप माइंडेड पीपल होते हैं जो कि इस तरह की बातें को सोचते हैं, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, उनकी तरफ से बोलूँ तो बॉलीवुड का फिल्म है आदिपुरुष यार। देखो हालांकि आदिपुरुष को वर्ल्ड लेवल पे रिलीज किया जा रहा है, पैन इंडिया लेवल पे, पैन वर्ल्ड लेवल पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उसका जो जोनर है, आदिपुरुष का मेकर्स जो है, वो तो बॉलीवुड से है ना, तो ओरिजिन बॉलीवुड से हम ले लेते हैं, जैसे कि RRR साउथ का था, ठीक उसी तरह बॉलीवुड का एक फिल्म है जो कि इतने बड़े ग्रैंड लेवल पे प्रीमियर होने जा रही है। तो आप बॉलीवुड को अगर सपोर्ट करते हो तो आदिपुरुष को जरूर सपोर्ट करोगे मेरे भाई। और मैं ऐसा सोच नहीं रखता यार, कुछ लोग जो ऐसा सोच रखते हैं, मैं बस उनकी बात को शेयर करने के लिए मैं बोल दिया, लेकिन मैं ऐसा सोच नहीं रखता, मैं प्रॉपर इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करता हूँ। कौन सी इंडस्ट्री से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसा हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा इंडियन सिनेमा, एक हमारे भारतीय फिल्म इस तरह का मतलब एक अचीवमेंट हासिल किया, हमारे देश को, पूरा का पूरा देश को गर्व फील करवा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। तो भाई बस आदिपुरुष को एक प्यार, एक सपोर्ट और नफरत को भूलने की बारी है यार, ये सारा चीज़ को देख करके। क्या अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आदिपुरुष में कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसा है जो कि जबरदस्त होने वाला है यार? मेकर्स अगर अपनी फिल्म को लेकर के सीरियस नहीं होते तो इतना बड़ा काम क्यों करते, है ना? तो ये भी सोचने वाली बात है। तो गाइस प्लीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिल्म रिलीज होने से पहले, जिसको पूरा का पूरा दुनिया अभी सेलिब्रेट करने जा रहा है 13 जून को, तो हम खुद इंडियन होकर के, खुद भारतीय होकर के आदिपुरुष मूवी के ऊपर नफरत के फैलाए, फिल्म रिलीज होने तक वेट करते हैं, प्यार देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए यार, जो लोग नफरत फैला रहे थे, जो लोग आदिपुरुष को लेकर के नेगेटिव चिंता मतलब ये रख रहे थे, तो शायद उन लोगों का मुंह थोड़ा सा बंद हो जाए और नेगेटिविटी ना फैलाए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।